असलम वेलकम बैक टू अवन अकेडमी उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट एवन के पी के की क्लास टेंथ फिजिक्स और जो चैप्टर का नाम है वो साउंड है तो हमने पहले इससे पहले जो है ना सिंपल हारमानिक मोशन के सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे अभी हम आते हैं साउंड चैप्टर के प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम नंबर वन में कहता है कि द साउंड एंड टेंसिटी थ्री मीटर फ्राम अ जेक हैमर इज़ एन पॉइंट टू मल्टीप्लाई टेन पावर माइनस टू वाट पर मीटर स्क्वेयर सो so, मैं आता हूँ लिखता हूँ गिवन डेटा गिवन डेटा में हमारे पास उन लोगों ने दिया है कि द साउंड इंटेंसिटी साउंड इंटेंसिटी इज एट पॉइंट टू जीरो मल्टीप्लाई टेन पावर माइनस टू वाट पर मीटर स्क्वेयर वाट इज़ द साउंड इंटेंसिटी लेवल इन डिसबल यूजल रेफरेंस लेवल means you need to use the usual reference level of i naught which is equal to 1 multiply 10 power 12 watt per meter square. So usual reference intensity is equal to 1.00 multiply 10 power 12 watt per meter square. Acha what is required in this problem? So we need to write required data और रिक्वायर्ड डेटा में उसने कहा है कि व्हाट इज़ साउंड इंटेंसिटी एंड डिसिबल साउंड इंटेंसिटी टेंसिटी एंड डिसिबल उन लोगों ने कहता है या इसको कहते हैं लेवल इंटेंसिटी भी कहते हैं कि साउंड की जो लेवल इंटेंसिटी या इंटेंसिटी लेवल क्या है तो वो हमने फाइंड करनी है और उसको हम डेल्टा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ तो इसमें एक ही फार्मूला यूज़ हुआ है अगर आपने साउंड इंटेंसिटी में वो पड़ा हो तो आपके लिए बहुत आसान होता है कि द लेवल इंटेंसिटी ऑफ साउंड इक्वल टू टेन लॉग ऑफ गिवन इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय द यूजुअल इंटेंसिटी गिवन इंटेंसिटी मींस के जेक हैमर की जो इंटेंसिटी है उन लोगों ने बताया है वो क्या है तो द साउंड इंटेंसिटी लेवल इक्वल टू टेन लॉग यूजुअल इंटेंसिटी जो हमारे पास है वो आई नाट वन पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो मल्टीप्लाय टेन पावर ट्वेल्व और जो इंटेंसिटी हमारे की साउंड इंटेंसिटी है तो वो हमारे पास है एट पॉइंट टू ज़ीरो मल्टीप्लाय टेन पावर माइनस टू अच्छा तो साउंड इंटेंसिटी लेवल इज़िकल टू टेन लॉग अच्छा अब इसमें ये वन एट पॉइंट टू जीरो डिवाइड बाई वन तो एज़ इट इज़ एट पॉइंट टू ज़ीरो रह गया मल्टीप्लाई टेन पावर माइनस टू है और ये टेन पावर ट्वेल्व जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस ट्वेल्व हो जाएगा क्योंकि हमारे पास उसकी वो चेंज हो जाती है ठीक है और हमारे पास ये जो गिवन में दिया है आई थिंक ये माइनस ट्वेल्व है दिस इज़ माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व सो यह ऊपर आके प्लस हो जाएगा ठीक है गिवन डेटा में हमने ये प्लस ट्वेल्व लिखा था इवन ये माइनस टेन सो साउंड एंडसिटी लेवल इज टेन लॉग एट पॉइंट टू जीरो मल्टीप्लाई टेन पावर माइनस टू एन प्लस ट्वेल्व इज टेन अब कैलकुलेटर से आप लोगों ने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है कैलकुलेटर को यही दे दो तो साउंड एंड टेंसिटी लेवल इज इक्वल टू टेन और इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपके साथ आएगा टेन पॉइंट नाइन वन थ्री एट और इनको मल्टीप्लाई करने से आपके साथ जो वैल्यू आएगी वो आएगी वन ज़ीरो नाइन पॉइंट वन थ्री एट तो ये हमारे पास लेवल इंटेंसिटी आ गई तो अभी हमने आ जाना है यहाँ पे रिजल्ट लिखना है और रिजल्ट पे हमें लिखा लेवल इंटेंसिटी इक्वल टू वन ज़ीरो नाइन पॉइंट वन थ्री एट तो ये हमारे पास लेवल इंटेंसिटी अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें कहता है कि अ शिप इज एंकर्ड वेयर द डेप्थ ऑफ वाटर इज वन ट्वेंटी मीटर सो गिवन डेटा मैं लिख रहा हूँ गिवन डेटा डेप्थ ऑफ वाटर डी डेप्थ ऑफ वाटर तो डेप्थ ऑफ वाटर डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो एस से भी रिप्रेजेंट करते हो वाट एवर लेकिन मैंने लिख दिया कि आई एम रिप्रेजेंटिंग बाई डी एंड दिस इज इक्वल टू वन ट्वेंटी मीटर एंड अल्ट्रासोनिक सिग्नल सेंड टू द बॉटम ऑफ द लेक रिटर्न इन जीरो पॉइंट वन सिक्स सेकेंड टाइम so, जो है वो ज़ीरो पॉइंट वन सिक्स सेकेंड लेता है रिटर्न्स होने में बॉटम पे जाते हैं इट मीन्स के यहाँ पे मेरे पास ये एक लेक है ये उसका टॉप है ठीक है यहाँ पे पानी ऊपर टॉप है इसका तो सिग्नल जो है वो सिग्नल हमारे पास स्टार्ट होते हैं यहाँ से तो यहाँ से वो आ जाते हैं बॉटम तक और फिर बॉटम से वो ऊपर आ जाते हैं और इन सारों का जो टाइम है वो है ज़ीरो पॉइंट वन सिक्स सेकेंड तो इस एक का कितना होगा मतलब हमें अभी चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक ये यह कितना टाइम लेता है क्योंकि जीरो पॉइंट वन सिक्स सेकेंड तो ऊपर से आते फिर बॉटम पे जाते हैं फिर बॉटम से फिर वापस ऊपर आते हैं तो एक तरफ़ का कितना होगा तो वो टाइम में मेरे सपोज डिपेंड करता हूँ कैपिटल टी से तो दिस इज एक टू जीरो पॉइंट वन सिक्स डिवाइड बाई टू तो इसवल टू जीरो पॉइंट जीरो एट सेकेंड अब समझ गए टाइम तो मैंने एक तरफ से लेना है दोनों तरफ से नहीं लेना है क्योंकि ये तो बॉटम पे जाते हैं फिर वापस आते हैं तो मैंने एक वे पे लेना है तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड ठीक है तो हमने अभी स्पीड ऑफ साउंड रिक्वायर्ड डेटा में वो हमसे फाइंड करना चाहते हैं रिक्वायर्ड डेटा हमने फाइंड करनी है स्पीड ऑफ साउंड हमने फाइंड करनी है स्पीड अब साउंड हमने फाइंड करनी है अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ तो सल्यूशन की तरफ आने से पहले आपको इक्वेशन का पता होना चाहिए कि स्पीड इज डिटर्म बाय द डिस्टेंस कवर्ड और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट बट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम सो है द डिस्टेंस इज एक्चुअल द डेप्थ ओके वी द डेप्थ इज ऑलरेडी गिवन द डेप्थ ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप ऑफ वाटर लेवल टू द बॉटम इज़ वन ट्वेंटी मीटर सो दिस इज़ इक्वल टू वन ट्वेंटी मीटर डिवाइड बाई टाइम इज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एट सेकेंड सो दिस पी इज़ वन ट्वेंटी डिवाइड बाई ज़ीरोट सो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि वन ट्वेंटी डिवाइड बाई इस पॉइंट को यहाँ से लेकर यहाँ पर इधर से यहाँ पर मैं ले कर आ रहा हूँ तो ये हो जाएगा एट मल्टीप्लाई टेन पावर माइनस टू एंड क्योंकि आपके कैलकुलेशन आसान करनी है ख़ुद के लिए तो वी इज़ इक्ल टू तो वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाई एट आप करोगे तो आपके साथ आएगा 15 टेन एट्स आर एटी एंड फाइव एट आर फोर्टी तो एटी प्लस फोर्टी वन ट्वेंटी फिफ्टीन आ गया और ये टेन पावर टू पर आ गया तो माइनस टू पर आ गया तो टेन पावर टू हो गया मीटर पर सेकेंड सो तो विलासिटी इज़ इक्वल टू तो, इस तरह भी लिखते हो आप इस तरह भी, भी लिखते हो कि फिफ्टीन हंड्रेड मीटर पर सेकेंड तो ये मेरे पास फिलासिटी ऑफ साउंड है ठीक है यहाँ पे अब आ जाऊँगा मैं रिज़ल्ट पे और रिज़ल्ट पे जो मेरे पास स्पीड है वो है फिफ्टीन हंड्रेड मीटर पर सेकेंड इज़ द स्पीड ऑफ साउंड विच इज़ रीचिंग टू द बॉटम ऑफ द लेक सो दिस इज़